फ्लोटिंग ड्रम टाइप वर्सेस फिक्स्ड डोम टाइप बायोगैस प्लांट, तो दोनों की हम कंपैरिजन देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम सिस्टम वाइज चलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, फ्लोटिंग ड्रम में रेगुलर फिलिंग एंड रेगुलर डिस्चार्ज होगा। जो हमें बायोमास फीडिंग करना है वो रेगुलर करना है, डेली करना है। उसके साथ ही हमें जो डिस्चार्ज करना है, जो स्लरी बचेगी हमारी जिसमें से बायोगैस हमने प्रोड्यूस कर लिया है, उसे डिस्चार्ज रेगुलर करना पड़ेगा। जबकि यहाँ पर रेगुलर फिलिंग होगी, पर कुछ प्रॉब्लम के हिसाब से अगर हम डिस्चार्ज रेगुलर ना कर सके तो ये उसे कहा जाता है फिक्स्ड डोम टाइप बायोगैस प्लांट। एंड द डाइजेस्टर हीट इज लॉस्ट थ्रू गैस होल्डर। जो हमारे पास गैस होल्डर होगा वो जहाँ पर हम गैस को स्टोर करेंगे वो स्टील से बना हुआ होगा, तो कंडक्शन के कारण वहाँ से जो हीट होगी वो लॉस्ट होती रहेगी। देयरफॉर देयर लेस सुटेबल फॉर कोल्डर रीजन। कोल्डर रीजन में क्योंकि विंटर में जो होगा वो बाहर का जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होगा वो काफ़ी कम होगा, तो अंदर की जो हीट जनरेट होगी वो आसानी से बाहर कंडक्शन या कन्वेक्शन के थ्रू उसका हीट का लॉस काफ़ी ज़्यादा होगा। ड्यू टू द अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर हमारा जो कंस्ट्रक्शन पूरा है वो मैसनरी वर्क पर डिपेंड है और पूरा ब्रिक से और बना हुआ है, और पूरा जमीन के अंदर होने के कारण जो वहाँ का टेम्परेचर होगा वो नियरली कॉन्स्टेंट ही रहेगा, जिसकी वजह से हीट एंड इंसुलेशन इज यूनिफॉर्म, यानी कि हीट लॉस काफ़ी कम होगा। अब फ्लोटिंग ड्रम में देखते हैं कि वो किस से बना हुआ है, मटेरियल कौन सा यूज़ हुआ है। तो कंक्रीट, ब्रिक, सैंड, लाइम एंड स्टील। बेसिक जो यहाँ पर डिफरेंट मटेरियल है वो स्टील है। जो हमारा गैस होल्डर है वो स्टील से बना हुआ है, लेकिन फिक्स डोम में क्या है, वो ब्रिक, सीमेंट, सैंड और लाइम सीमेंट, जो कि ऑलरेडी फ्लोटिंग ड्रम में है ही, लेकिन यहाँ जो गैस होल्डर है वो हमारा स्टील से बना हुआ नहीं है। यहाँ पर गैस जो प्रोड्यूस होगा वो डाइजेस्टर के ऊपर के भाग में ही वो वहाँ पर स्टोर होगा, इसे कोई अलग प्रकार का कंस्ट्रक्शन नहीं है यहाँ पर। नो प्रॉब्लम ऑफ गैस लीकेज ड्यू टू स्टील ड्रम। हमारे पास पूरा स्टील का ड्रम है तो वहाँ पर लीकेज होने की संभावना नियरली ज़ीरो है। जबकि फिक्स ड्रम में क्या रहेगा, गैस स्टोरेज रिक्वायर्ड टू बी स्पेशल ट्रीटमेंट टू गैस टाइटनेस। तो यहाँ पर कोई हमारे पास गैस स्टोर करने के लिए स्टील से बना हुआ ड्रम नहीं है, तो यहाँ पर हमें मशीनरी वर्क करना पड़ेगा इस तरह से स्किल्डफुली कि गैस लीकेज कहीं से भी ना हो पाए। एंड द लेस कम, तो जो हमारे पास बायोमास रहेगा वो दीवालों पर और नीचे ज़मीन पर उसका लेयर बनता जाएगा, पर लेकिन अगर फ्लोटिंग ड्रम टाइप में अगर देखें तो यहाँ पर लेस कम मिलेगा। तो स्कम ब्रेकिंग डन इज़ बाय रोटेशन ऑफ ड्रम। जो हमारा ड्रम है उसके रोटेशन की वजह से ये स्कम होगा वो निकलता जाएगा, जबकि फिक्स ड्रम में मोर स्कम रहेगा। और स्कम ब्रेकिंग एक्सटर्नल इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, तो स्कम को ब्रेक करने के लिए कोई एक्सटर्नल हमें इक्विपमेंट चाहिए होगा। अब फ्लोटिंग ड्रम में डाइजेशन पीरियड देख लेते हैं, तो वो 40 से 60 डेज तक रहेगा। वेल इन फिक्स्ड डोम द डाइजेशन पीरियड इज 30 to 60 डेज। एंड दिस इज अ कंटिन्यूस टाइप प्रोडक्शन। फ्लोटिंग ड्रम टाइप है, कंटिन्यूस टाइप प्रोडक्शन है। जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट देखा था कि रेगुलर बेसिस पे फीडिंग रहेगा और डाइजेशन जो हमें स्लरी निकलेगी उसे निकाल डेली करना है, जबकि ये प्रोडक्शन बेस्ट टाइप प्रोडक्शन का एक बायोगैस प्लांट है फिक्स डोम। यहाँ पर हमें कंटिन्यूस फीडिंग तो रहेगा, लेकिन कोई कारण के हिसाब से अगर हम उसका एक्सट्रैक्शन स्लरी कर निकाल ना कर पाए तो इसी वजह से इस फिक्स डोम को बेस्ट टाइप प्रोडक्शन में लिया गया है। नाउ इन फ्लोटिंग ड्रम इट इज़ अ गैस प्रेशर कॉन्स्टेंट रहेगा। जैसे हमने देखा था 10 सेंटीमीटर वाटर लेवल तक इसका कॉन्स्टेंट प्रेशर हमें मिलता रहेगा। एंड फिक्स डोम में देखें तो प्रेशर वेरिएबल रहेगा हर समय, जैसे कि 0.1 एटमॉस्फेयर से 1 एटमॉस्फेरिक यानी कि एटमॉस्फेयर प्रेशर तक हमें प्रेशर अलग अलग वेरिएबल मिलता रहेगा। एंड फ्लोटिंग ड्रम में क्या रहेगा, मोर कॉस्टली ड्यू टू द स्टील ड्रम। यहाँ पर हम गैस स्टोर करने के लिए स्टील ड्रम का यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाएगा। एंड द फिक्स ड्रम इज़ लेस कॉस्टियल, हमें कोई या एक्स्ट्रा स्टील या कोई ऐसा मटेरियल नहीं चाहिए, स्टील ड्रम नहीं चाहिए जिसके कारण उसका कॉस्ट बढ़ जाए। नाउ ये फ्लोटिंग ड्रम टाइप एक फिगर है वो कैसे वर्क करता है। पहले तो यहाँ पर इनिशियल स्लरी जो बायोमास है उसे यहाँ पर स्टोर किया जाता है इनलेट पाइप के थ्रू। ये पूरा डाइजेस्टर है तो डाइजेस्टर में उसे लाया जाता है। यहाँ पर पूरी डाइजेशन प्रोसीजर होगी और जो बायोगैस वहाँ से निकलेगा उसे यहाँ गैस होल्डर में स्टोर किया जाता है और आगे वेरियस एप्लीकेशन के लिए उसे बाहर लाया जाता है। नाउ इट इज़ स्लज
टैंक जहाँ पर जो हमारा एक्सट्रैक्शन करके जो बायोमास से हमें गैस प्रोड्यूस कर लिया है उसके बाद जो वेस्टेज बचेगा उसे स्टोर करने के लिए यहाँ पर एक टैंक है, उसे KVIC मॉडल भी कहा जाता है, जो इंडिया में बना हुआ है। नाउ द फिक्स डोम टाइप बायोगैस प्लांट, तो उसका एक मॉडल है इसे, ये सबसे पहले चाइना में इन्वेंट हुआ था, जिसे जनता मॉडल भी कहा जाता है। यहाँ पर इनलेट हो गई, ये पूरी मैकेनिज्म है वो जमीन के अंदर है, लैंड के अंदर, और जिसके कारण टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ये पूरा डाइजेस्टर है, यहाँ इनलेट में से पहले हमें स्लरी यानी कि बायोमास अंदर फीड करना है, उसके बाद यहाँ पर गैस प्रोड्यूस होगा और गैस यहाँ ऊपर के भाग में स्टोर हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पर आपने देखा होगा तो ये एक मेन हॉल है जहाँ से एंटर होकर इस पूरे टैंक को साफ़ किया जाए, डाइजेस्टर को साफ़ किया जाए, और जब स्लरी बचेगी जिसमें से हमने बायोगैस प्रोड्यूस कर लिया है तो उसके लिए ये अलग से टैंक है, वहाँ पर हमें उसको स्टोर करना है। बायो जहाँ से जो गैस प्रोड्यूस कर लिया है उसके बाद का जो स्लरी बचेगी उसे यहाँ पर स्टोर करना है, तो इसे जनता मॉडल भी कहा जाता है, कांस्टेंट वॉल्यूम भी कहा जाता है, और इसे कांस्टेंट प्रेशर टाइप बायोगैस प्लांट कहा जाता है, इसे कांस्टेंट वॉल्यूम टाइप बायोगैस प्लांट कहा जाता है।